अमाउंट ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। एक वीडियो तो मेरा वायरल गया था 2.5 लाख। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? एंड आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। इसी के साथ और अच्छा करने के लिए आपका भाई लेके आया आपके लिए एक और न्यू धमाकेदार वीडियो। ये कुछ रहने वाली है ब्लॉग के ऊपर, ठीक है। सो कुछ आइडियाज है मेरे दिमाग के अंदर कि डेली मोटो व्लॉग्स कैसे करेंगे। मैं बताने वाला हूँ कि डेली मोटो व्लॉग करने का फ़ायदा क्या है। मतलब मोटो व्लॉग ही नहीं, कुछ भी कर सकते हो। मतलब डेली व्लॉगिंग करते हो तो भी उसके भी फ़ायदे मिल सकते हैं आप लोगों को। तो फिलहाल हम लोग तो निकल चुके हैं भाई, और आज वेदर बहुत प्यारा हो रहा था तो इसीलिए लाओ सोचा कि चलते हैं कुछ वीडियो शूट करके आते हैं। वैसे भी मैं 3 दिन से लगातार वीडियो शूट ही कर रहा हूँ, और ट्राई कर रहा हूँ कि डेली वीडियो डाल सकूँ। तो जो परफॉर्मेंस रहने वाला है वो बहुत अच्छा रहता है IT स्टूडियो में, कभी भी चेक करो तो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लेते हैं हम लोग कि आप करते क्या है। मतलब मैन क्या आप ब्लॉगिंग करते हैं, मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं उससे क्या डिपेंडेंट रहता है मतलब यूट्यूब के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले पेट्रोल पड़वा लेते हैं भाई थोड़ा सा, क्योंकि पेट्रोल नहीं है बाइक के अंदर। तो पहले पेट्रोल पड़वाएंगे उसके बाद आगे चलेंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप के ऊपर। भाई भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है, पेट्रोल इतना महंगा होने के बावजूद। कितना है? 96 नॉर्मल वाला है, और ये जो स्पीड वाला रहता है वो है 99 रुपए का, 99 रुपीज पर लीटर। तो भाई पहले पड़वाते हैं पेट्रोल। भैया थोड़ा उधर करना है। तो पेट्रोल पड़वा लिया है भाई, और अब मैं बताऊँगा आप लोगों को कि डेली व्लॉग के बेनिफिट्स क्या है। वैसे तो ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मुझे पूरे 3 महीने हुए हैं यूट्यूब पर प्रॉपर काम करते करते, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी, बिगिनर था, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये चीज़ हार्ड पड़ेगी हम लोगों के ऊपर कि कहाँ 1000 सब्सक्राइबर होंगे, कहाँ कैसे होगा। तो मैंने 1 महीने में, मतलब 1 हफ्ते में 1 वीडियो डाल दी, महीने में 2-3 वीडियो, लास्ट इससे ऊपर नहीं डालता था। फिर मेरे पास कंटेंट बढ़ता गया, कंटेंट बढ़ता जा रहा था। तो मैं बोला कि लाओ करते हैं भाई, क्योंकि जॉब भी थी साथ ही साथ हम लोग कर रहे थे काम उसके। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर 1 हफ्ते में 2 वीडियो डालना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में तो मेरे पास व्यूज ज़्यादा नहीं रहते थे, 1 महीने के अराउंड 600 से 700 व्यूज आते थे मेरे स्टार्टिंग में, आज से 4 महीने पहले। फिर जब मैंने वो डबल किया, 1 हफ्ते में 2 वीडियो डालना शुरू किया ना, तो उसके बाद थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। जहाँ वो 500-600 व्यूज़ आते थे वो डबल हुए, मतलब 1200-1500, डबल से भी ऊपर हो गया थोड़ा सा। तो फिर मेरे को भाई किसको पसंद नहीं है कि व्यूज़ डबल हो और सारी चीज़ें डबल हो। तो मैंने फिर डालना शुरू कर दिया, फिर मेरे को अच्छा लगने लगा, डेली बेसिस बन गया हमारा कि लाओ वीडियो डालते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही भाई। तब मैंने 1 दिन छोड़ के वीडियो डालना शुरू किया, ठीक है। और मुझे खुद पे विश्वास नहीं है भाई कि मैंने 2 दिन 1 दिन छोड़ के जब वीडियो डाला, मतलब 2 दिन में 1 वीडियो, तो उससे 1 वीडियो तो मेरा वायरल गया था जो कि शॉर्ट था। शॉर्ट वीडियो वायरल चला गया, उससे कुछ नहीं, उससे केवल सब्सक्राइबर मिले। वॉच टाइम जो शॉर्ट वॉच टाइम मिलता है उसमें ऐड हुआ लगभग 2.5 लाख, ठीक है। पहले रोड पे निकलते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं भाई लोग रोड के ऊपर, और मौसम चेक करो यार कितना प्यारा हो रहा है, और बारिश हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, बट मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। इतना कुछ गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा, शाम हो रखी है, टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं अभी, क्योंकि वो 15 मिनट पीछे है वॉच, इसका जो मीटर का वॉच है, ठीक है। तो पहले ज्ञानी भाई को एक बार कॉल कर लेते हैं, हो सके तो वो चलेंगे, तो आगे चलते हैं, मैं चाय भाई पी के आएंगे। एक बार कॉल कर लेते हैं ज्ञानी भाई का, घर भी यहीं पे है। हाँ तो भाई ज्ञानी भाई भी नहीं आया क्योंकि उनका नंबर ऑफ आ रहा है, हम घर किसी के जाता नहीं, तो सीधा चल रहे हैं हम बढ़ते हुए आपसे बात करते हुए। तो मैं बता रहा था कि जो लास्ट वीडियो मेरी 2.5 लाख व्यूज़ पकड़ी थी क्योंकि शॉर्ट था एक, उससे सब्सक्राइबर अच्छे खासे मिल गए। और जो मैंने वीडियो को डाली थी तो उस टाइम पे ना उस टाइम पर तो उसके व्यूज़ बहुत कम थे, ठीक है। वो लगभग जब वीडियो उठने का नंबर आया तो एक हफ्ते के बाद ही उठी थी वो, उस पर व्यूज़ जब आए थे वो 1 हफ्ते के बाद ही आए थे। तो
जिससे कि फिर मैंने जब मेरा एक महीने का उस महीने का डैशबोर्ड था मेरा 1.5 लाख, मतलब व्यूज़ का देखेंगे तो 1.5 लाख के व्यूज़ थे और उस पर वॉच टाइम भी अच्छा खासा मिल चुका था मुझे, क्योंकि जो नए सब्सक्राइबर आए थे उन्होंने चैनल देखा, चैनल देखने के बाद भाई लोग सबने चेक किया कि कैसे क्या है, मतलब न्यू ऑडियंस आती है तो वो तो चेक तो करती है भाई, तो उससे मुझे वॉच टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मिला था। फिर नई स्टार्टिंग, अरे आराम से भैया आराम से, तो जब नई ऑडियंस मिली तो फिर फायदा भी हुआ अपना। तो इसीलिए डेली मोटो व्लॉग करने का ये फायदा है कि प्रॉपर तो ऑडियंस मिलती है हम लोगों को रोज, ठीक है, ऑडियंस मिलती है, प्लस उसके ऊपर भी हमें सब्सक्राइबर अच्छे खासे गेन होते हैं। फिर तब से लेके मैं अभी तक डेली तो नहीं करता, लेकिन 2 दिन में एक वीडियो डालता हूँ, मतलब कुछ भी कंटेंट डालो लेकिन डाल दो, ठीक है। लेकिन अब मैंने ये सोचा कि मैं डेली मोटो व्लॉग करूँगा एज कंपेरिजन टू ओल्ड डेज, लेकिन अभी डेली मोटो व्लॉग करेंगे और देखते हैं कि क्या रहेगा, क्या परफॉर्मेंस रहता है यूट्यूब का और नई ऑडियंस कैसी आती है, क्योंकि मुझे जो अभी ऑडियंस मिल रही है ना वो बहुत सही मिल रही है। और मैं बता रहा हूँ लोकल में राइड करने से अच्छा है कि हम लोग बाहर की राइड करें, लोकल की राइड, क्योंकि उससे बाहर घूमने के लिए भी अच्छे मिलते हैं और नए नए लोग मिलते हैं, नए नए लोग हमसे जुड़ते हैं, क्योंकि लोकल में भाई कब तक घूमोगे, ठीक है। अब मोटो व्लॉग कंटेंट देख लेते हैं कि कंटेंट क्या रखे हैं, कैसे ऑडियंस आए। तो मोटो व्लॉग का कंटेंट ये होता है, भाई आराम से चला ले, इसको निकालते पहले दूसरे को, तो भाई बोल रहा था कि क्या बोल रहा था यार, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कंटेंट क्या रखे मोटो ब्लॉग के लिए, देखो मोटो ब्लॉग के लिए कोई कंटेंट नहीं होता, केवल तुम्हें अपने आप से, मतलब जो तुम्हारी ऑडियंस है उन लोगों से बात करनी है, ठीक है, उन लोगों से बस केवल बात करनी है तुम लोगों को, और जो अपनी सिटीज के अंदर या तुम जहाँ भी जा रहे हो वहाँ क्या हो रहा है, रोड कैसे है, क्या सब चल रहा है, चीज़ों के मतलब प्राइस क्या है, कैसे है, मतलब जो चीज़ तुम एक्सप्लोर कर रहे हो, जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये चीज़ दिखाने के लिए अपनी ऑडियंस के लिए वो दिखाओ, रोड ये कैसे है भाई, पेट्रोल पंप कैसे है, भीड़ क्यों लगी है, और यही सिर्फ चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों को मोटो व्लॉग का ध्यान रखना है। और हाँ, चुप नहीं बैठना बस पीछे कि तुम लोग आए, कैमरा उठाया, हेलमेट उठाया, बाइक उठाई, चल दिए, निकल गए बाहर, राइड के नाम पे तुम घूम रहे हो आराम से, तुमने कुछ बोला है नहीं कैमरे के अंदर, फिर घर आके बोल रहे हो कि भाई ये हो गया ये हो गया, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, पीए कर रहा हूँ, उससे क्या तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि ऑडियंस तुम्हें देखना क्यों पसंद करेगी, तुमसे अच्छे लोग बैठे हैं ना देखने के लिए, तुमसे अच्छे लोग बैठे हैं, तुमसे अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तुम फोन से करते हो वो कैमरा से कर रहे हैं, तुम छोटे कैमरे से कर रहे हो वो उससे बड़े कैमरे से कर रहे हो, तो भाई तुम्हें क्यों देखेंगे लोग। यही सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है यार मोटो व्लॉग के अंदर, यही कुछ कंटेंट होता है मोटो व्लॉग का। डेली मोटो व्लॉग के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया, अब तुम लगा लो हिसाब की, जब मेरी ऑडियंस 1 महीने में 1.5 लाख पर पहुंच सकती है, तो जब जो लोग बड़े हैं जैसे कि UK07 राइडर है, आमिर माजिद एंड बहुत सारे जो मोटे मतलब बड़े बड़े मोटो व्लॉगर्स हैं, उनकी जो अर्निंग का रहता होगा वो क्या रहता होगा, मतलब वो क्या कमा रहे होंगे, उनको तो भाई उनका तो बड़ा चैनल है, वो कुछ भी डाल देंगे यूट्यूब पे, तो भी उनकी जो ऑडियंस है, जो फैन फॉलोइंग है, वो तो उनको देखेगी, वो तो नोटिस करेगी, क्योंकि उन मतलब उनको जानती है भाई पब्लिक, तुम्हें क्यों जानेगी पब्लिक, क्या मतलब है तुम्हें जानने का, तुम वो कौन, इसलिए भाई उनकी ऑडियंस उनको देखने के लिए हमेशा रेडी रहती है। चढ़ाई बड़ी
फोटो लेने वाले हैं, फोटोग्राफर है। ठीक है भाई, बाय। तो यही कुछ रोड है भाई, अब जा रहे सीधा घर। बाकी मोटर ब्लॉक के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया, देखो बिना हेलमेट के जा रहा है। और कुछ जानना चाहते हो कि मतलब क्या है कैसे है, तो भाई कोई नहीं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नीचे आईडी दे दूंगा मैं अकाउंट अपना, वहाँ जाके फॉलो कर लेना भाई। और कुछ हो तो यहाँ पे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि मुझे पता होगा तो पक्का बताऊँगा। बाकी चलते हैं यार, यही था कुछ आज की वीडियो में, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।